जय हिंद नमस्कार साथियों, जीके जी एस मस्ती पर आपका स्वागत है। आखिरकार आपका इंतजार खत्म हो ही गया। नोटिस में आज वो सारा चीज़ बताएंगे, आपका एग्जाम से कितना दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा ग्रुप डी का, और कितना दिन पहले सीटी और वगैरह आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो नोटिस भी दिखाएंगे और सारा चीज़ आपको बताएंगे। चलिए हम पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीबीटी के लिए परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी नंबर आरआरसी 2019 मतलब कि स्तर वन परीक्षा के लिए, जो कि आप सिंपली यहाँ पर देखिए सीबीटी परीक्षा की तिथि की सूचना तथा आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण। चलिए हम आपको बताते हैं, ये सब छोड़िए, चलिए यहाँ पर तो देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर, जैसे कि आप एनटीपीसी में देखते आए हैं सीबीटी लेवल 6 हुआ, लेवल 4 हुआ, लेवल 3, 2 जितना भी एग्जाम हुआ है, आपको चार दिन पहले आपको इस नोटिस के हिसाब से, और जो पिछला नोटिस आया दोनों लगभग सेम है, ठीक है। तो आपको 17 से एग्जाम होगा, चार दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दे देगा, ठीक है। और उससे 10 दिन पहले मतलब 17 से 10 दिन पहले बोले तो 10 अगस्त को आपको एक नोटिस आएगा, 10 या 9 अगस्त को रात में आएगा। और नोटिस में आपको सारा चीज़ वहां पर दिया रहेगा कि कौन सा बोर्ड का, इसमें देखिए बोर्ड बाय बोर्ड एग्जाम लगा, ये कन्फर्म है। आपके पास लगभग आप ही से अगर 17 तारीख है तो लगभग एक महीना है, हो सकता है आपके पास उससे अधिक दिन हो, तो आप लगातार, आप अगर मेरा वीडियो नहीं देखें 75+ कैसे लाएं, तो आप उस अगर उसका पालन करते हैं तो आप खुद अनुभव किए होंगे कितना नंबर आता है। अगर उस वीडियो को नहीं देखें जरूर देखिए, ठीक है। तो जैसे एनटीपीसी में लगातार दोहराया आ रहा, उसी तरह से 10 दिन पहले आपको सिटी और वगैरह बताएगा, और चार दिन जब एग्जाम से बचेगा तो आपको एडमिट कार्ड दिखाएगा। लेकिन सारा सवाल यहाँ पर यह है कि आपको कैसे पता चलेगा किस बोर्ड का कब है। तो आपको जब फर्स्ट सिटी वगैरह दिखाएगा तो वहाँ पर एक नोटिस दो दिन पहले उससे जारी होगा, और दो दिन जारी होगा तो उसमें बताया जाएगा पिछला लगभग कि मतलब 15 दिन का आपको बायो मतलब डाटा दिया हुआ रहेगा कि इस डेट से इस डेट तक इस जोन का एग्जाम होगा और इस डेट से लेकर इस डेट का जोन का एग्जाम होगा। अभी तक एडमिट कार्ड में कंफर्म नहीं किया तो बोला कि नेक्स्ट सूचना तक आप अपना ध्यान दें, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आप लोग तैयारी को बेहतर बनाएं और जितना अधिक से अधिक हो न्यूमेरिकल बनाएं, और क्योंकि ग्रुप डी में न्यूमेरिकल 100% 7 से 10 क्वेश्चन रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर, ठीक है। और वहाँ पर साइंस तो हमेशा रहता है, और शाम को जिस तरह से हम लोग आज भी महामैराथन है तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिए और अधिक से अधिक मेहनत करिए, सपना को पूरा करें। जय हिंद नमस्कार।